यूपी की दो लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है, जिसके बाद से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामकाज को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी की ये हार इसलिए और ज्यादा बड़ी हो जाती है क्योंकि गोरखपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी का 29 साल से कब्जा रहा है। खुद योगी आदित्यनाथ 5 बार इस सीट से लोकसभा सांसद रह चुके हैं। योगी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये सीट खाली हुई थी। वहीं फूलपुर सीट भी यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अब इन दोनों सीट पर समाजवादी पार्टी ने कब्जा जमा लिया है। ये चुनाव ऐसे वक्त पर हुए जब यूपी में योगी सरकार के कार्यकाल का भी 1 साल पूरा होने जा रहा है। ऐसे में बीजेपी की हार को योगी सरकार के कामकाज से भी जोड़ा जा रहा है। बीजेपी में पीएम मोदी के बाद सीएम योगी हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे। बीजेपी कई चुनावों में उन्हें चेहरा बनाकर प्रचार करा रही थी। गुजरात, त्रिपुरा, कर्नाटक के चुनाव में मोदी के बाद योगी ही बड़ा चेहरा बनकर उभरे थे, लेकिन अब उनकी ही लोकसभा सीट हारने के बाद बीजेपी के योगी ब्रांड को तगड़ा झटका लगा है। बीजेपी के हाथ से इन दोनों सीटों के निकलने से यूपी में बड़े राजनीतिक समीकरण बदलने के संकेत आ रहे हैं। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।